बच्चों, रोमन न्यूमरल्स आज हम इनके बारे में जानने जा रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ कहाँ कैसे यूज आया इनका, कैसे हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी भी और इसके पहले भी हम हिंदू अरेबिक नंबर्स यूज करते हैं, जो कि काउंटिंग नंबर्स 1 से 0 से लेकर के 9 तक जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनसे जो नंबर्स हैं गिनने आदि के लिए, सारे कार्यों के लिए हम हिंदू अरेबिक नंबर प्रयोग करते हैं। लेकिन आज से कई वर्षों पहले जब रोम से आए हुए प्रशासकों ने इस पद्धति का प्रयोग किया, चूँकि ये रोम से आई थी इसलिए इसको रोमन न्यूमरल्स कहा गया। इस पद्धति में 7 प्रकार के चिन्ह यूज होते हैं। देर आर 7 सिंबल्स इन रोमन नंबर्स। इन 7 सिंबल्स किन हिंदू अरेबिक नंबरों के स्थान पे लिखे जाते हैं वो भी नीचे दिए हुए हैं। जैसे आई लिखा जाता है 1 की जगह पर, 5, 10, 50, इस तरीके से 100, 500 और 1000s। इस तरीके से हम इन हिंदू अरेबिक नंबर के स्थान पर रोमन का यूज़ करते हैं। अब शेष रोमन्स हम कैसे बनाते हैं हिंदू अरेबिक नंबरों की, क्योंकि इनके अलावा जो हमारे पास हिंदू अरेबिक नंबर हैं हम उनकी रोमन कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज भी भारत में कई जगह पर हम रोमन का यूज़ करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स जो आगे आप पढ़ेंगे उनको इसी तरीके से बनाते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन में कैसे बदलते हैं और रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे बदला जाता है। बच्चों, इसको जानने के पहले आपको ये जो काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं हिंदू अरेबिक नंबर में, ये आपको बहुत अच्छी तरह लर्न करने होंगे कि आखिर इनकी रोमन क्या होती है और अकॉर्डिंग टू रूल उनके रोमन कैसे बनते हैं। आप देख रहे हैं कि आई जो है फर्स्ट को डिनोट करती है। बच्चों, 0 की कोई भी रोमन नहीं होती, 1 की आई, 2 की रोमन बनाने के लिए उसी आई को हम डबल कर देते हैं, 3 में ट्रिपल कर देते हैं और ट्रिपल से ज़्यादा किसी भी रोमन के किसी भी सिंबल को हम यूज नहीं करते हैं। 4 बनाने में अब क्या करते हैं, क्योंकि 4 में फर्स्ट को हम 4 बार यूज नहीं कर सकते। अब 4 को बनाने के लिए कुछ रूल बनता है। रूल ये बनता है कि जो वी लिखा जाता है यदि इसके आगे आई आ जाए तो वी की वैल्यू होती 5 और आई माने होता है 1, तो ये ऐड होकर के 6 बन जाता है। और इस यही आई यदि पीछे लिखी हुई हो तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अर्थात 4 की रोमन बन जाती है। तो बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई। तो प्रॉब्लम हमको यहाँ पर 4 की रोमन बनाने में आ रही थी, क्योंकि 4 में आई को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आपको वी में से यदि 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 आ जाता है। अब 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको आई को पीछे लिखना होगा, अर्थात ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। इस तरीके से कह सकते हैं आप, रूल बना हुआ है, यदि ग्रेटर के पहले स्मॉलर आवे तो सब्ट्रैक्ट होता है और ग्रेटर के बाद स्मॉलर आ जाए, क्योंकि ये 5 है, ये 1 है, तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ऐड हो जाता है। ये एक रूल है। तो रूल अपनी जगह है और दिमाग में बिठालना ये अपनी जगह है। चलिए, तो हमने 4 की रोमन भी बन गई। अब 4 की जो रोमन है कोई दिक्कत नहीं है, 5 की रोमन आप जानते हैं, 5 की रोमन वी होती है। अब इस वी में आई कर दीजिए 6 बन जाएगा, डबल आई कर दीजिए 7 बन जाएगा, ट्रिपल आई कर दीजिए 8 बन जाएगा। फिर सवाल आता है कि वी अब 9 का बनाने के लिए हम इसको 4 बार तो नहीं लिख सकते, 4 बार लिखते हैं तो ये रूल गलत हो जाता है, इसलिए अब फिर वही बात आ जाती है। अब बात आ जाती है यदि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 आ जाता है,
बताइए आप। इसको मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ कि 10 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तभी तो 9 आएगा, और जब किसी रोमन को सबट्रैक्ट डिजिट को सबट्रैक्ट करना है, लेकिन रोमन में रूल अलग है, रोमन में सबट्रैक्ट करने के लिए पीछे लिखा जाता है, तो एक्स का 10 आ जाएगा, आई तो 10 का एक्स आ जाएगा, और 1 के लिए आई लिखते हैं, लेकिन आई यदि आगे लिख देंगे तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें सबट्रैक्ट करना है तो इसको पीछे लिखा जाएगा। तो आई एक्स एक्स इज द रोमन ऑफ 9, ये चीज़ समझिए। बाकी आगे का प्रोसेस आप देख रहे हैं कि 9 के बाद जो रोमन आती है वो होती है एक्स 10। अब 11 बनाने के लिए 1 ऐड कर दीजिए, 12 बनाने के लिए 2 कर दीजिए, और 13 बनाने के लिए 3 कर दीजिए। तो ये 13 की रोमन, तो 1 से लेकर के 13 की रोमन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ ली। अब मैं 13 के बाद 14 की रोमन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे बच्चों, कितनी बड़ी भी रोमन हो, यदि उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, ऐसी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे जिसका रोमन आप जानते हो, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 14 में आ जाएगा 10 + 4। आप कहेंगे साहब ये क्यों लिखा आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको तो 6 + 9 लिखा जा सकता था, लेकिन 6 की रोमन में प्रॉब्लम आएगी और 9 की रोमन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि रोमन लिखने में बहुत आसानी हो। 10 का रोमन होता है एक्स और इसका होता है आई और वी, तो ये बन जाएगी एक्स आई वी। अब आप जान रहे हैं एक्स आई वी। अब 15 का कैसे बनेगा, एक्स वी, 16 का xvii xv" xv" इस तरीके से आप 18 तक फिर पहुंच जाते हैं। 18 के बाद फिर 19 में पुनः आपको प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों जब 19 आ जाती है तो आप इसको पुनः यदि लिख दें 10 + 9, क्योंकि 9 की रोमन हम जान चुके हैं, 10 की रोमन हम जानते हैं, तो 10 एक्स हो जाएगा और 9 हो जाएगा आई एक्स, दैट इज़ द रोमन ऑफ द 19। तो आप इतना पढ़ने के बाद जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 4 का रोमन बनाने में कुछ रूल्स लगाने होते हैं, 9 की रोमन बनाने में रूल्स लगाने होते हैं। यदि ये 2 रोमन आपको रेडी हैं तो बड़ी आसानी से 14 बन जाती है, 19 बन जाती है, 39 देखिए कितनी आसानी से बनेगा, इसको लिख दीजिए 30 को कैसे लिखेंगे, एक्स 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 प्लस 30 और 9 का आई एक्स। तो आप देखें किस तरीके से रोमन हो गया। अब आता है कि क्या सारे रोमन्स को हम रिपीट कर सकते हैं, प्रश्न आता है कि जितने भी 7 सिंबल्स हैं क्या उन सारे सिंबल्स को हम रिपीट कर सकते हैं। नो, सारे सिंबल्स हम रिपीट नहीं कर सकते, सबको हम नहीं दोहरा सकते। किन किन को हम रिपीट कर सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को और एम को, इनका हम रिपीटेशन कर सकते हैं। अब आप यदि गहराई से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्हीं को हम क्यों रिपीट करते हैं और सिंबल्स को हम रिपीट क्यों नहीं करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं साहब, आपने कहा कि आई एक्स एम को रिपीट करिए, वी को क्यों नहीं रिपीट कर सकते, क्योंकि वी को रिपीट करिए तो ये कितना बन जाएगा बताइए, 10, और 10 की रोमन पहले से बनी हुई है, इसलिए हम वी को रिपीट नहीं कर सकते। वही चीज़ एल में आ जाएगी, एल और एल 100 हमारे पास बना हुआ है। डी माने क्या होता है, डी और डी अर्थात ये आपके 1000 का रोमन बना हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ के ये आइडिया लगा सकते हैं कि भैया हमको वी एल डी को रिपीट नहीं करना है। इन्हीं को क्यों रिपीट करना है, क्योंकि हमें इनकी रोमन बनाने में बहुत आसानी होती है। जैसे आई आई और आई, इस आई से हमारे 3 काम बन जाते हैं, 1 का हो जाता है, 2 बन जाता है और 3 बन जाता है।
फोर फोर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, फोर में क्या होता है हम फाइव में से वन घट सबट्रैक्ट कर दें। चलिए अब आता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आखिर हम किस किस को रिपीट करते हैं और किस किस को नहीं करते। चलिए इसके बाद अब आता है सब्ट्रैक्शन की बात कि हम किस किस को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चों v और x में से सिर्फ i सबट्रैक्ट होता है। अब ये भी आप कहेंगे साहब क्यों सबट्रैक्ट होता है? इसलिए सबट्रैक्ट होता है कि v में से i सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 बन जाएगा, x में से i सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 बन जाएगा, जो कि हम पहले से जानते हैं। आप समझ गए कि क्यों सबट्रैक्ट करते हैं और सबट्रैक्ट नहीं होते। इसके बाद x को सबट्रैक्ट करते हैं हम l और c में, इसी प्रकार इसको भी देख लीजिएगा। c को सबट्रैक्ट करते हैं d और m में। जब हम x को सबट्रैक्ट l से करते हैं तो ये 40 बन जाता है, l मीन्स 50, और जब x सबट्रैक्ट करेंगे तो हम 10 लिखेंगे और ये बन जाता है 40 का। और सबट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि पीछे लिखा जाता है और ऐड करने के लिए आगे लिख सकते हैं। किस किस को आगे पीछे लिख सकते हैं, किस किस को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी रूल है कि v और x में से i को, l और c में से x को, d और m में से c को, और v l d m नॉट सबट्रैक्टेड। ध्यान रखिएगा v को कभी भी सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए जरा करिए सबट्रैक्ट, x लिखा हुआ है यहाँ पर, v सबट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा बताइए आप। x होता है 10, 5 सबट्रैक्ट करो तो 5 आ जाएगा। हम क्यों फालतू का काम करें, क्योंकि हमें तो 5 की रोमन सीधी दी हुई है, इसलिए इसको सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने कुछ रूल आपको बताए, इसके आधार पर आप रोमन 1 से लेकर 100 तक बना सकते हैं। इस रोमन के आगे क्या है मैं अगले वीडियो में आपको इसको मैं बताऊंगा।